आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। बहुत प्रणाम करता हूं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। लगातार पूरी दुनिया में हिंदुत्व की पताका लहरा रहे हैं और ऐसे मुद्दे जिन पर आजकल साधु संत बोलने से बचते हैं, उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से दमदारी से हिंदुत्व की परंपरा के अनुसार वो मांगे भी रख रहे हैं, वो बातें भी कर रहे हैं। बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर आपका स्वामी जी। नारायण नारायण। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपकी उस मांग का पर बात करूंगा जो आप जिसको लेकर के इस वक्त बहुत ज्यादा संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देना और गौ वध को रोकने के लिए आप एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, उसको लेकर बताइए क्या वजह है कि बीजेपी की सरकार होने के बाद भी आपको आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। देखिए, अब हमारे लिए एक ही रास्ता बचा है। हमने हर पार्टी को देख लिया, हमने हर सरकार को देख लिया, अब हमारे सामने केवल मतदाता बचा है। मतदाता अगर जागरूक हो जाएगा और वो कहेगा कि हम तो उसी को वोट देंगे जो गाय के लिए खड़ा होगा, गाय का काम करेगा, तभी कुछ हो सकता है। इसलिए अंतिम प्रयास के रूप में मतदाताओं को गौ मतदाता बनाने का ये बीड़ा हमने उठाया है। 33 करोड़ लोगों को हम सीधे संकल्प कराना चाहते हैं इस आंदोलन के अंतर्गत। जैसे 33 करोड़ देवता हमारी गौ माता के शरीर में विराजमान रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है जी, तो हम चाहते हैं कि उन देवताओं को हम अपनी आंखों से देख लें। ये 33 करोड़ लोग जो गौ मतदाता बनेंगे यही हमारे लिए देवता होंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा इनसे। और हम समझते हैं कि जब 33 करोड़ लोग गाय के लिए मतदान करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो सारे राजनीतिक दल, चाहे वो अमुक हो चाहे अमुक हो, सब गौ भक्त हो जाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, देखिए इस वक्त आप चूंकि हिंदुत्व को लेकर के जिस तरह से मुखरता से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लोगों में जागरण की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर के एक सवाल उठता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है और वो कई हिंदू जो बॉर्डर पर खड़े होकर के हिंदुस्तान में आने की, भारत में आने की गुजारिश कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या उन हिंदुओं को भारत में शरण दी जानी चाहिए? सरकार को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए केंद्र सरकार? देखिए, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं, जब हिंदू का जो केंद्र है वो मजबूत होगा, माने भारत में जब हिंदू धार्मिक रूप से मजबूत होगा तो पूरे विश्व के हिंदू मजबूत अपने आप हो जाएंगे। जिसका केंद्र मजबूत होता है उसकी शाखा भी मजबूत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बांग्लादेश के हिंदुओं का प्रश्न है, ये हम हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को पत्र लिख करके ये बात कही है कि जो बांग्लादेश के हिंदू हैं अगर संकट के समय भारत आना चाहते हैं तो उनको रोका ना जाए, उनको भारत में आने दिया जाए, शरण दी जाए, और अगर उनके खाने पहनने में कोई सरकार को लगता है कि ज़्यादा खर्चा होगा उसको हिंदू समाज पर छोड़ दिया जाए, मैं मांग जांच करके उनको खिलाने के लिए तैयार हूँ जी। लेकिन अभी तक हमारे पत्र का जवाब भी राष्ट्रपति जी ने भी नहीं दिया है, प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश हो चाहे कहीं का हिंदू, अगर संकट में आए तो उसके मन में ये संदेश होना चाहिए कि भारत हमारी भूमि है, अगर मुझको बचना है तो मैं वहाँ चला जाऊँ तो मेरी सुरक्षा हो जाएगी। इतना संदेश तो पूरे विश्व के हिंदू को भारत की भूमि से जाना ही चाहिए। स्वामी जी, एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है जो हिंदुओं से भी जुड़ा हुआ है, जातिगत जनगणना, और विशेष तौर पर यह कहा जा रहा है कि सिर्फ हिंदुओं की जातिगत जनगणना कराइए, इस मांग को लेकर के कैसे देखते हैं आप? नहीं, हमारा ये कहना है कि गणना होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे पास जो चीजें हैं उसकी हर तरह से गिनती हमको होनी ही चाहिए कि कितने लोग कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, ताकि जरूरत उनके कल्याण के लिए हम योजना बनाते समय उनका अध्ययन कर सकें। तो डाटा अपने पास होना, आंकड़ा अपने पास होना कोई खराब नहीं है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जब हम गणना करेंगे तो ये पूरा समाज जो है बट जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हुए इसकी गणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन गणना होने में हमें आपत्ति नहीं है, गणना तो अपने पास होनी ही चाहिए, जो चीज़ हमारे पास है उसका डाटा हमारे पास होना चाहिए। और आरक्षण को लेकर महाराज जी आपकी क्या राय है? स्वामी जी, आपको लगता है आरक्षण बरकरार रहना चाहिए या आपको लगता है कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, आर्थिक आधार पर होना चाहिए? आरक्षण जिस उद्देश्य से दिया गया था वो उद्देश्य सफल हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। सवाल यह है कि जिस उद्देश्य से दिया गया था क्या वो पूरा हो गया? पहले इस पर विश्लेषण करने की जरूरत है कि आरक्षण नाम की जो चीज है उसको हमने क्यों लाया था, जिन उद्देश्यों के लिए लाया गया था, जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक आरक्षण कैसे खत्म कर दोगे? और अगर वो पूरे हो गए हैं तो आरक्षण जरूर खत्म हो जाना चाहिए, यही हमारा कहना है।
स्वामी जी, एक और बड़ी मांग उठी है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको लेकर के केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला भी कर लिया। लोग कह रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, क्या चुनाव एक बार एक साथ होना चाहिए या सबकी अलग अलग जिस तरह से व्यवस्था बनी हुई है वैसा होना चाहिए? नहीं, हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि ये मांग किस कारण से हो रही है। कभी कभी कहा जाता है कि ये इसलिए हो रही है कि खर्चा ज्यादा हो जाता है कई बार चुनाव कराने में जी, और फिर कई बार कहा जाता है कि नहीं नहीं ये कारण नहीं है, और भी दूसरे कारण हैं। तो पहले तो ये स्पष्ट हो कि ये किस कारण से ऐसी मांग की जा रही है, और दूसरे एक बार अगर चुनाव करा दिए जाएंगे तो उससे जो जो समस्याएं आएंगी, बीच में कोई सरकार गिरेगी तो उनका क्या होगा, इस बारे में कोई रणनीति ही नहीं है अभी। तो अभी तो ये दूर की कौड़ी है, केवल ख्याली पुलाव हमको दिखाई देता है। बात यह है कि चुनाव जिन उद्देश्यों के लिए होते हैं वो उद्देश्य पूरे होने चाहिए। अगर जनता को सरकार बनाने का मौका है तो जनता जब चाहे गिरा दे और जब चाहे बना दे, उसके लिए ये बाध्यता क्यों कि साथ में ही होगा, अभी तब तक आप रुके रहिए, ये क्यों? अगर जनता चाहती है कि ये सरकार ठीक नहीं है गिराओ, तो गिरा देगी, गिरा करके दूसरी बनाएगी। राजनेताओं के मन में डर रहेगा, और नहीं तो निश्चिंत हो जाएंगे कि अब क्या डर है, अब तो 5 साल बाद ही होगा जो कुछ होगा, बीच में तो कुछ होना नहीं है। तो ये जो डर है नेताओं के मन में, जिसके कारण थोड़ा बहुत जनता की सुनवाई हो जाती है, उसको भी समाप्ति मिल जाएगी इस तरह के आयोजन से, ऐसा हम समझते हैं जी। तो हम तो इसको ठीक नहीं समझ रहे हैं। स्वामी जी, एक और बड़ी चीज है, पीएम मोदी को लेकर के आपने बयान दिया कि जन्मदिन जो है वो इंग्लिश तारीख या किसी को भी देश में अंग्रेजी तारीख के हिसाब से नहीं, भारतीय तिथियों के अनुसार मनाना चाहिए। ये समाज में ये जागरण आए, लोग ये चीज समझें, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, हमने अपने हिंदू भाइयों के लिए कहा है, हमारी अपनी पहले से तारीख है। हम जब राम जी का जन्मदिन मनाते हैं तो अंग्रेजी तारीख में कहाँ मनाते हैं, हम तो भारत के चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाते हैं। जब हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि मनाते हैं तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि को मनाते हैं जी। इसी तरह से हमारी होली, हमारी दिवाली, हमारे सब सारे पर्व भारतीय तिथि में होते हैं। तो हम अंग्रेजी में अपना जन्मदिन कैसे मना सकते हैं? हमारे गुरुजी का जन्मदिन भारतीय तिथि में होता है और हम अपना अंग्रेजी तारीख में मनाए। तो हमने ये कहा है कि जिनके माता पिता अंग्रेज हैं उनके तो लिए तो वही ठीक है जी। लेकिन जिनके माता पिता अंग्रेज नहीं है, जिनके माता पिता भारत के हैं, तो भारतीय पर्व तिथि में ही उनको अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, और यही सही है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास पेपर की कटिंग है बनारस के अखबार आज की, जो पुराना अखबार था स्वतंत्रता संग्राम के समय में जी, गांधी जी भी उसमें लिखते पढ़ते थे, उस आज अखबार की कटिंग है 1906 की, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं तो चबूतरे पे बैठे बनारस के लोग हंस रहे हैं कि अभी कहाँ से हैप्पी न्यू ईयर है, अभी तो चैत्र आने में देरी है। माने 100 साल के पहले, 125 साल के पहले अपने देश में लोग अंग्रेजी तारीख में कुछ मनाने पर हंसते थे, और आज ऐसी परिस्थिति हो गई कि हम पंगु हो गए, हम अपनी तिथियां बुलाते चले जा रहे हैं जी, और कन्वर्जन धीरे धीरे होता चला जा रहा है। ये जो अंग्रेजी तारीख में जन्मदिन मनाने की बात है, ये एक तरह का कन्वर्जन है कि हम ईसाइयत को अपना लें। क्राइस्ट के पहले कुछ नहीं था, तो ईसा मसीह अगर हम अंग्रेजी तारीख को मनाने लगेंगे तब वो जो फरवरी में 14 फरवरी को आता है वैलेंटाइन डे, तब वो आएगा, तब वो हैप्पी न्यू ईयर आएगा, तब वो 25 तारीख को बड़ा दिन आएगा। अगर अंग्रेजी तारीख ही नहीं मनाएंगे तो ये सब आएगा ही नहीं, तब हमारी भारत की परंपरा के त्यौहार आएंगे तो हम उनको मनाएंगे। तो इसलिए जैसे डॉलर अपने देश में हम नहीं चलाते हैं, रुपया चलाते हैं, डॉलर लेके कोई आता है तो कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी तरह से हम हिंदुओं को चाहिए कि अंग्रेजी तारीख वाली कोई बात आए तो उसको भारतीय तिथि में कन्वर्ट करके उसका व्यवहार करें। सीधे सीधे व्यवहार करने का परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे हम ईसाइयत की ओर चले जाएंगे, हमारा हिंदू तो हमसे बहुत पीछे अपने आप छूट जाएगा। स्वामी कन्वर्ट होने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। जी स्वामी जी, चूंकि मेरे पत्रकार साथी वहाँ बैठे हैं, बिल्कुल आप देखिए जी, हमारे सारे देवता हमारे सारे देवताओं के जो जयंती पर्व हैं वो भारतीय तिथि में मनाए जाते हैं जी बिल्कुल, लेकिन अब 17 सितंबर को अंग्रेजी तारीख में विश्वकर्मा हमारे जो देवता हैं उनका मनाया जाने लगा, ये कैसे हो सकता है जी। लेकिन अब सारे कामगार इसी को मनाने लग गए, धीरे धीरे ये स्थापित हो जाएगी बात, इसी तरह से स्थापनाएं अलग तरह की हो जाती हैं, इसलिए इस तरह की स्थापनाओं के संदर्भ में
अपनी बात साफ करनी चाहिए। तो हमने जब हमसे पूछा गया नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के बारे में जी, तो हमने ये अपनी बात कही थी। बहुत उत्तम है। एक अंतिम सवाल मैं करूंगा, चूंकि मेरे पत्रकार साथी वहां आपका इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल अंतिम सवाल है। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि सिख जो है वो यहाँ पर अपनी मर्जी से ना पगड़ी पहन सकते हैं ना कड़ा पहन सकते हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि इस वक्त भारत में दूसरे धर्मों के लिए स्वीकार्यता नहीं बची है? देखिए, भारत जो है समावेशी राष्ट्र है, हमारे हृदय में सबके लिए सम्मान है और हमने सदा से व्यक्त किया है। और सिखों के बारे में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, किसी समय थोड़े दिन के लिए आई थी, वो बात समाप्त हो गई जी। हमारे सिख बंधुओं ने गौ माता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के सामने जब देवी जी प्रकट हुई तो उन्होंने यही कहा था कि गौ घात का दुख जगत से मिटाऊं, ऐसा वरदान दे दे माता जी। तो ऐसे जो गौ भक्त हैं, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हमारे भाई हैं, उनके बारे में इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है। यहाँ पर ऐसी कोई असहिष्णुता सिखों के बारे में भारत में नहीं है। सिख लोग बड़े आराम से बड़े प्रेम से यहाँ पर रह रहे हैं और हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, वो भी हमारा सम्मान कर रहे हैं। ठीक है महाराज जी, आप तिरुपति बालाजी के प्रसाद के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें बताएंगे? अभी 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 बताएंगे। ठीक है, हम उससे लाइव करेंगे। बहुत शुक्रिया News24 को वक्त देने के लिए महाराज जी आपका। तो हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जुड़े हुए थे। दर्शकों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।